नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज। 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं एक युद्ध जिसने पूरी दुनिया को विनाश के खतरे में धकेल दिया। एक युद्ध जिसमें रोजाना सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, हजारों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एक युद्ध जो सिर्फ अब दो मुल्कों का मसला नहीं रहा है, उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। 35 एकड़ जमीन पर धरती का सबसे पुराना विवाद अब सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो गया है। यह युद्ध कितना खतरनाक है इसे समझा जा सकता है। सिर्फ 5 दिनों में हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग घायल हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए। और यह युद्ध अगर और ज्यादा बड़ा तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। आखिर कैसे, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। एक युद्ध और उसका दंश महीने से झेल रही है रूस। यूक्रेन में महीनों से जंग चल रही है। रूस की तरफ से कई बार परमाणु हमले का चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। अब इसराइल पर हमास के अटैक ने एक और जंग की शुरुआत कर दी। अब इसराइल हमास को खत्म करने की कसम खा रखी है। इस युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध की कयास फिर से लगाए जाने लगे। इसराइल के पास परमाणु मिसाइल है। परमाणु बम से लेकर लैस किसी देश पर ऐसा हमला किसी बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में एक और विश्व युद्ध की संभावना है? यह भी राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसराइल हमास की जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्ला भी कूद गया है। आतंकी समूह हिजबुल्ला ने इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे हैं। हिजबुल्ला ने एक बयान में कहा कि हमने इसराइल पर बड़ी तादाद में रॉकेट और गोले दागे, हम फिलिस्तीन का बदला लेने के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसराइल ने दो टूक कह दिया है कि हिजबुल्ला ने अब हमले किए तो दशमिक को तबाह कर दिया जाएगा। इस जंग में हिजबुल्ला की एंट्री ने एक तरफ से इसराइल के सामने दोहरी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक युद्ध जिसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। एक युद्ध जिसने रोजाना सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। इस युद्ध में हजारों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। यह युद्ध जो सिर्फ अब दो मुल्कों का मसला नहीं, उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे मैंने आपको बताया, 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर इस धरती का सबसे पुराना विवाद सबसे बड़ी जंग में तब्दील हो गया है। यह युद्ध कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के अभी 5 दिन हुए हैं। सोचिए, इस युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस युद्ध में करीब 1200 इजरायली शामिल हैं। 1000 के आसपास फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है और घायलों की तादाद इसराइल में 3000 से ज्यादा है। फिलिस्तीन में यह आंकड़ा तकरीबन 5000 के आसपास पहुंच गया है जो लोग घायल हैं। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के विशेष एक्सपर्ट कमर आगा को सुनवाना चाहता हूं कि वो इस हादसे पर, इस हमले पर क्या कह रहे हैं। नंबर
नंबर हैं ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसराइल के अंदर इतने लोग मारे गए, फिर गाज़ा के अंदर जिस प्रकार से अटैक हो रहा है उसमें बहुत लोग मर रहे हैं। कई सौ बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हैं, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं, कितने मर रहे हैं उसका पता नहीं है अभी। मेरा ख्याल है सबका बहुत समय लगेगा पता चलते हुए। दुखद बात है, अफसोस की बात है कि एक तरफ तो इसराइली 800 900 कितने लोग उनके मरे, फिर अब ये इतने ज़्यादा मर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर सिविलियन हैं, तो ये सभी के लिए चिंता की बात है। कितने नंबर हैं ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसराइल के अंदर इतने लोग मारे गए, फिर गाज़ा के अंदर जिस प्रकार से अटैक हो रहा है उसमें बहुत लोग मर रहे हैं। कई सौ बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त कर दी गई हैं, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं, कितने मर रहे हैं उसका पता नहीं है अभी। मेरा ख्याल है सबका बहुत समय लगेगा पता चलते हुए। दुखद बात है, अफसोस की बात है कि एक तरफ तो इसराइली 800 900 कितने लोग उनके मरे, फिर अब ये इतने ज़्यादा मर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर सिविलियन हैं, तो ये सभी के लिए चिंता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर की तारीख, इस तारीख को कभी इसराइल नहीं भूल पाएगा। ये वही तारीख थी, ये वही दिन था जब इस जंग की शुरुआत हुई। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 20 मिनट के भीतर इसराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद इसराइल का दो टुक पैगाम सामने आया, यानी हमने जंग छेड़ दी। इसराइल को जवाब तो देना ही होगा, बदला लेना ही था, साख का सवाल था। 55 साल पहले जिस इसराइल ने 6 दिन में अकेले अरब देशों को, साझा सेना को परस्त कर दिया था, जिस इसराइल ने चारों तरफ से मुस्लिम देशों के घिरे होने के बाद भी किसी की एक तक नहीं चलने दी, उसे हमास ने घेर घर में घुसकर मारा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई कि वजूद मिटा देंगे। इसराइल उसी हमास का वजूद मिटाने में लगा है। सिर्फ 5 दिनों में यह जंग दो मुल्कों के बीच का मसला नहीं रहा है। इस जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इसराइल हमास के बीच जंग ने वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट तैयार कर दिया है। कभी भी किसी वक्त तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज सकता है, जैसे लगातार मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बता रहा हूं। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सुनवाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। गेम तो अमेरिका का है, उन्होंने ही तो इस तरीके से इसराइल को वहां पे सेटल करवाया, और इसी तरीके से ये सारा का सारा वेस्टर्न पावर्स का गेम है। और अब आप देख रही, और फिर मैं जब बोलता हूं कि ये तो रिलीजियस क्रूसेड्स का कंटिन्यूटी है, आप देख लीजिए किस तरीके से वो कार्यवाही चल रही है। पर ये जो बाइडेन कह रहे हैं इसका मीनिंग भी है, और वो कह रहे हैं कि हम टोटली इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल को कंटिन्यू सप्लाई करेंगे। और आप कंट्रीज की लिस्ट देख लीजिए, एक करीब 35 कंट्रीज की लिस्ट आई है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी है, पर उसमें कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो अब आप देख लीजिए कि सब जो इस्लामिक कंट्रीज अलग हो गए हैं, नॉन इस्लामिक कंट्रीज अलग हो गए हैं। हाँ, ओपनली कोई नहीं बोलता, पर इस समय इसराइल का बहुत मेजर सपोर्ट है दुनिया में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसराइल हमास के बीच खूनी संघर्ष का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं। इसराइल ने हमास को मिटाने का ऐलान किया। हमास कई दशकों से इसराइल के बारे में यही इच्छा रखता है। मुश्किल यह है कि दोनों देशों के बीच हो रहे इस युद्ध को लेकर दुनिया के देशों की अलग अलग राय है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसे देश इसराइल के समर्थन में है, तो इस्लामिक देश हमास के कदम को सही बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हर दिन जोरदार तरीके से हमला करते हैं, और रूस की तरफ से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। अब इसराइल पर हमास के अटैक ने एक और जंग की शुरुआत कर दी है। अब इसराइल हमास को खत्म करने की कसम खा रखी है।
और इस युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध के कयास फिर से लगाए जाने लगे। इसराइल के पास भी परमाणु मिसाइल, परमाणु बम से लैस किसी देश पर ऐसा हमला किसी बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है। और खास बात यह है कि इन दोनों युद्धों को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। पहले मैं आपको रूस यूक्रेन युद्ध में कौन किसके साथ था, मैं राष्ट्र के वास के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल जैसे देश यूक्रेन के साथ खड़े, क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस जैसे देश रूस के समर्थन में खड़े थे, जो आपके टीवी स्क्रीन पर। यही हाल इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है वहां भी चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर खाड़ी देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर ताकतवर देश इसराइल के साथ हैं और इसमें खुलकर इसराइल का समर्थन भी कर रहे हैं, हथियार भी इसराइल को भेज रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया कि दूसरे देश इस संघर्ष से दूर रहे, जो इसका फायदा उठाने की फिराक में। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ खड़े हैं। मैं राष्ट्रीय आवास के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा है, जो लगातार मैं आपको कई दिनों से बता भी रहा हूं। एक बार फिर से समझिए कि कौन किस देश के साथ खड़ा है। इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी है, जापान है, यूक्रेन है, साउथ कोरिया है, इटली है, फ्रांस है, पोलैंड है, बेल्जियम जैसे देश है, तो फिलिस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, इराक खड़ा है, कतर है, कुवैत है, लेबनान है, यमन है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन है, तुर्की है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया जैसे देश खड़े हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी ठीक ऐसे ही हालात बने थे, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही थी और एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। ऐसे हालात है कि ईरान खुलकर इस बात की चेतावनी दे चुका है, अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो लेबनान, इराक, यमन, सीरिया एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर सके। अमेरिका भी इस बात की चेतावनी दे चुका है कि इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से अगर दूसरे देश दूर रहें, अगर इस्लामिक देश एक साथ इसराइल को निशाना बनाते हैं तो अमेरिका खुलकर सामने आएगा। ऐसे ही हालात रहे तो अमेरिका के दुश्मन देश इस्लामिक देशों का सहयोग कर सकते हैं, अमेरिका के मित्र देश इसराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। हालात यूं ही नहीं बिगड़ रहे हैं, ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन सकते हैं, जिसका लगातार मैं जिक्र करता रहता हूं। इसराइल हमास के बीच चल रहे जंग अभी खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं है। इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है, गाजा पर जमीन से हमला करने की तैयारी कर ली है, अमेरिका इसराइल को पूरी तरीके से मदद कर रहा है। इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है तो हमास के पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है और खुद हमास के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। ईरान अब तक हमले में शामिल होने की बात से इनकार कर रहा है, साथ ही यह भी चेतावनी दे रहा है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। मतलब साफ है कि कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी देश रुकने को तैयार नहीं है और यही तीसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी आहत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल हमास के बीच जारी जंग में लेबनान ने आतंकी संगठन हिजबुल्ला की एंट्री हो गई है, हिजबुल्ला की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। इसराइल अपने कई दुश्मन देशों से घिरा है, इसमें लेबनान भी एक है। इसराइल और लेबनान के बीच में उत्तरी हिस्से को लेकर विवाद है, जिस पर इसराइल का कब्जा है,
उत्तरी हिस्से को लेबनान अपनाना बता रहा है। इसके अलावा इसराइल एक तरफ से सीरिया से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हिजबुल्ला के आतंकियों का ठिकाना है, जिसे ईरान की आर्मी सपोर्ट करती है। ऐसे में जब इसराइल और दूसरे देश यानी फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है, तो ईरान और लेबनान ने फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने न सिर्फ समर्थन दिया है, बल्कि कई इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट गोले दागे। हिजबुल्ला ने इसराइल के इलाकों में मिसाइल और मोर्टार से अटैक किया है। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दोब क्षेत्र में गिरी। इसराइल ने भी इसे लेबनान के इस हमले का जवाब दिया है। इसराइल के डिफेंस फोर्स ने कहा है कि माउंट डोब में हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कई बुनियादी ढांचे को गिरा दिया है। आईडीएफ को आशंका थी कि उनके इलाके में इस तरह के अटैक होंगे, इसलिए इसराइल ने पहले ही जरूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिए थे ताकि इनसे बचा जा सके। और इन सब के बीच हिजबुल्ला ने जो धमकी जारी की है, उसका असर भी दिखने लगा है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल पर 40 दिन तक भीषण हमले होंगे, तो इसराइल भी ने कहा है कि हिजबुल्ला ने हमले किए तो दमिश्क को तबाह कर दिया जाएगा। मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए ये बताना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर हिजबुल्ला कौन है। स्क्रीन पर लाइए कि हिजबुल्ला कौन है, समझिए जरा। हिजबुल्ला हमास की तरह एक चरमपंथी संगठन है जिसका लेबनान में कई इलाकों में राज चलता है। इस संगठन का उदय लेबनान में चल रहे गृह युद्ध के दौरान हुआ था, तभी से लगातार उसने मंसूबों को अंजाम देता आया है। ईरान इस आतंकी संगठन को फंडिंग करता है, तमाम तरह के हथियार भी मुहैया कराता है। यह संगठन पिछले कई सालों से लेबनान में इसराइल के खिलाफ लगातार आग भड़का में जुटा हुआ है, और इस संगठन के लड़ाकों ने 2006 में भी इसराइल के खिलाफ कई दिनों तक युद्ध लड़ा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइल के सामने अब दोहरी चुनौती है। इस जंग में हिजबुल्ला हमास के साथ खड़ा है, इसके लड़ाके लगातार इसराइल पर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्ला और हमास को ईरान का साथ मिल रहा है, ऐसे में अब इसराइल के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। क्या वो ईरान पर हमला करेगा? अगर हमला करेगा तो यह युद्ध किस ओर जाएगा, या क्या जल्द तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकेंगे? यह सबसे परेशान करने वाली चीज है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इसीलिए आने वाले टाइम में किस तरह की मुश्किल होगी ये आप समझ सकते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।